यू सो मच देवी माँ, आपने फिर एक बार बुरी शक्तियों से मेरी बेटी को बचाया है, उसे फिर से मेरे पास लौटा दिया। बहुत बड़ा उपकार किया है आपने मुझ पर, और ये जानकर कि आपका हाथ मुझ पर है, मैं तो धन्य हो गई माँ। आपकी महिमा, आपका अद्भुत खेल समझना हर इंसान के बस की बात नहीं है, लेकिन आपकी कृपा से इतना तो जान गई हूँ कि आपने ये सारा खेल इसीलिए रचा है कि मेरी बेटी के मन में उस साकेत का डर हमेशा हमेशा के लिए मिट जाए। थैंक यू माँ, आगे से भी मेरी बच्ची पर अपना आशीर्वाद इसी तरह बनाए रखना। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं कितना बड़ा राक्षस हूँ। अगर अभी सही वक्त पर ना पहुंचता तो मेरी सारी कोशिश बेकार हो जाती। पता नहीं साकेत मेरे साथ क्या करता, उसके गंदे इरादे पूरे होने से पहले शायद मैं खुदकुशी कर लेती। आज एक बार फिर मेरे रवि ने, मेरे पति ने मुझे बचाया है, उसी ने उस नीच साकेत से मुझे बचाया, फिर से अपनी जान को दांव पर लगाया सिर्फ मेरे लिए। जो उसने किया है ना आज, वो दुनिया में और कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं। मैं जो कुछ भी किया उस पर मुझे रत्ती भर भी अफसोस नहीं, और ना इस बात का तो कि इन सब ने मुझे जेल में बंद कर दिया। तुमने साकेत ने मेरी तेरी का किडनैप किया, शादी करने की कोशिश की, उसे दुख दिया, तकलीफ दी, रुला, उस नौती तुम उसे जान से मार देता, फिर चाहे मुझे फांसी भी होती मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमसे कम खुशी है मुझे इस बात की कि मैं अपनी बीवी को बचा पाया उस कमीने साकेत के चंगुल से। पता नहीं क्यों अंबिका बनकर मुझसे दूर हो गए, लेकिन अब मुझे पूरा यकीन है कि उसे भी मालूम हो जाएगा कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज्यादा। इस दुनिया की हर सच्चाई की कसम खाकर कहती हूँ रवि कि मैं तुमसे बहुत बहुत प्यार करती हूँ, और अपनी आखिरी सांस तक करती रहूंगी हमेशा। अब मेरी देविका वापस आ जाएगी, मुझे पूरा यकीन है। पिछली बार भी जब उसका किडनैप हुआ था तो हम दोनों बहुत करीब आ गए थे, उसने मुझसे कहा भी था कि वो मुझसे बहुत प्यार करती है, और इस बार भी ऐसा ही होगा। हम दोनों के बीच की जितनी भी दूरियां हैं वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी, मुझे पूरा यकीन है। साफ साफ मैंने उसकी आंखों में देखा है कि वो मुझसे बहुत प्यार करती है, बहुत ज्यादा प्यार करती है। अगर मैं उसके बिना अधूरा हूँ तो तरह मेरी देवी का भी मेरे बिना अधूरी। रवि, रवि, पागल हो गए? रवि मैं ठीक हूँ, देखो मैं ठीक हूँ। साकेत नहीं, साकेत गोली मत चला रहा। यही सच है, मुझे देखने के बाद उसकी आंखों की चमक साफ साफ बता रही थी कि वो मेरा ही इंतजार कर रही थी। वो मेरी देविका है, हाँ मेरी देविका सिर्फ मुझसे प्यार करती है, और मेरे लिए सिर्फ इतना काफी है। अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता, दुनिया की कोई भी ताकत हमें अलग नहीं कर सकती, कोई भी नहीं। निवेदिता जी, ये क्या कर रही हैं आप? अगर आप मुझे घर से निकाल देंगे तो मैं कहाँ जाऊंगी? सारा सामान इसमें डाल दिया है, यू कैन लीव नाउ। मैंने आपके खिलाफ कुछ भी नहीं किया, मैं सच कह रही हूँ, मैंने आपके खिलाफ कुछ नहीं किया, प्लीज मेरे पे भरोसा कीजिए। क्यों करूँ मैं तुम पर विश्वास? तुम पर विश्वास करके बार बार पछताना पड़ा है मुझे, और तुम कहाँ रहोगी, क्या करोगी, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है श्वेता, यू अंडरस्टैंड दैट? और तुम्हें क्यों इतनी फिक्र है कि तुम कहाँ रहोगे? हमारा वो भाई है ना, तो बिग पॉलिटिशियन, बहुत इन्फ्लुएंशियल है, बहुत पावरफुल है, आई एम श्योर ही विल फिगर आउट अ प्लेस फॉर यू।
ये घर भी तो मेरा है, मैं मेरे पति मेरे घर वालों के बिना कैसे रहूंगी? प्लीज मेरे साथ ऐसा मत कीजिए निवेदिता जी। शट अप श्वेता। और ये क्या मेरा घर लगा रखा है? दिस इज नॉट योर हाउस, दिस इज माय हाउस। और तुम्हारे ये नकली आंसू ना मुझ पर काम नहीं करने वाले, तो ये नौटंकी मेरे सामने मत करना, यू अंडरस्टैंड दैट? शट। मैं आपके पैर पकड़ती हूँ, मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। मेरी सच में कोई गलती नहीं, अगर फिर भी आपको लगता मैं सुधारूंगी अपने आप को, मुझे माफ कर दे। लगता है सीधी तरह से तुम्हारी बात समझ में नहीं है। धक्के मारकर तुम्हें इस घर से निकालना पड़ेगा। अगर तुमने मुझे ज्यादा परेशान किया ना श्वेता, मैं हाथ और लात का इस्तेमाल करना शुरू कर दूंगी, और उसके बाद तुम्हारा यह सामान भी तुम्हारे साथ ही जाएगा। तुम अकेले इन कपड़ों में इस घर से निकलोगी। Do you want that? मैम प्लीज ऐसा मत कीजिए। मैं मानता हूँ कि मुझे से बहुत बड़ी गलती होगी, लेकिन मैं प्लीज माफ कर दीजिए, आगे से इनसे कोई गलती नहीं होगी। मैं रियली मॉन्टी, तुम भी इसके साथ बाहर जाना चाहते हो क्या? नहीं मैम, आप भी समझने की कोशिश कीजिए। जाना चाहते हो? नहीं मैम, आप देन गेट आउट ऑफ माय वे। मैम प्लीज, भाभी मैम प्लीज, आप नहीं मां प्लीज, मुझे सच में बिल्कुल मन नहीं है बेटा, इस बात पर मुझे कोई बहस नहीं चाहिए। ये दूध तुम्हें पीना पड़ेगा तो मतलब पीना ही पड़ेगा। मां प्लीज, आपने अभी नीचे मुझे ऑलरेडी इतना सारा खाने खिलाया, मेरा पेट भरा हुआ है, और ये हल्दी वाले दूध का टेस्ट मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे नहीं पीना सच। लेकिन बेटा वो खाना तो अपनी जगह है ना, और ये दूध तुम्हारे जख्मों के लिए, चलो पकड़ो इसे। हाँ मुझे सच में नहीं पीना। ये देखो कितनी तकलीफ से गुजरी हो तुम, प्लीज धीरे धीरे से ही, लेकिन पियो इसे प्लीज। और हाँ देखो, मैं एक घंटे के बाद डॉक्टर को फोन करके बुलाती हूँ, अगर तुम्हें और कोई दवा की जरूरत होगी तो वो भी तुम्हें आकर दे देंगे। लेकिन चलो प्लीज ये दूध पकड़ो और यहाँ आराम से बैठकर पियो। चलो ओके। मैं कैसे भूल गई कि आपसे तो मैं किसी बात पे जीत ही नहीं सकती। मैं पी लूंगी ये दूध, लेकिन सिर्फ आपके लिए, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है वैसे। पियोगी ना? प्रॉमिस? प्रॉमिस मां। दैट्स लाइक अ गुड गर्ल, नो चीटिंग ओके। पी लेना निक्की। ये डॉक्टर तो फोन नहीं उठा रहे। ओह गॉड, रेखा जी ने मेरी इतनी मदद की, मुझे इतना दिलासा दिया अंबिका को ढूंढने के लिए, और जब अंबिका सही सलामत घर वापस आ गई तो मैंने उन्हें खबर नहीं दी। अंबिका के मिल जाने की खुशी में ना मैं सब कुछ भूल गई। चलो रेखा जी को फोन करके उन्हें खबर भी दे देती हूँ। इस वक्त किसका फोन हो सकता है? जानकी देवी? हेलो जानकी जी, जल्दी बताइए कैसी है मेरी लाड़ी? वो ठीक तो है ना, उसे कहीं चोट तो नहीं लगे ना? कौन थे वो लोग जिन्होंने? सॉरी जानकी जी, वो मेरा मतलब था कि आपके अंबिका अब ठीक है ना, उसे कहीं कोई चोट तो नहीं आई? वो बिल्कुल ठीक है, और वो आज से मेरी बेटी नहीं आपकी लाडो भी है। आई मीन आप मेरी अंबिका को लाडो बुला सकती हैं। आपने जिस तरह अंबिका को ढूंढने के लिए मेरी मदद की, उसके कुशल मंगल के लिए आपने इतने दिल से प्रार्थना की, ये सिर्फ एक माँ ही कर सकती है। और फिर रेखा जी, आपके बिना तो ये मुमकिन ही नहीं था। आज अगर मेरी बेटी अंबिका मेरे पास सही सलामत है तो इसका सारा श्रेय मैं आपको देती हूँ। मेरा तो रोम रोम आपका बहुत एहसानमंद है। आप बेशक उसे अपनी लाडो बुला सकती हैं। रेखा जी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आपको जब भी कभी कोई जरूरत पड़े ना तो आप बेझिझक मुझे बोल सकती हैं, मुझे आपकी मदद करके बहुत खुशी होगी। जानकी जी आपसे झूठ नहीं बोलूंगी, जो कुछ भी मैंने किया अपने लाडो के लिए किया, अपने देविका के लिए किया। आपकी अंबिका बिल्कुल मेरे लाडो की तरह है, वैसे ही। और इसीलिए जब उसका अपहरण हो रहा था तो मैं अपने आप को नहीं रोक पाई। देखिए रेखा जी, मैं आपके जज्बात समझ सकती हूँ,